काफी मतलब चल लिए आप सब। हाँ सर, सोचे नहीं थे कभी की सोचे नहीं कभी नहीं सर, सपना में नहीं। बड़ी तकलीफ होती थी पैरों में, लेकिन 4-6 दिन के बाद ऐसा लगा कि कुछ है भी नहीं, एकदम सब पैर ठीक हो गया आपके। बिल्कुल सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। स्टार्टिंग में बोला गया था ना सर कि 5 मंथ आप लोग को रहना है, ये तो लोग को लगता था 5 महीना कैसे बीतेगा। मीडिया पे दिख रहा है कि भैया देश में आग लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और हम मतलब साउथ से नॉर्थ चले हैं और एक व्यक्ति ने कुछ बुरी बात नहीं बोली, एक व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं बोला, एक व्यक्ति ने कुछ मतलब धमकी नहीं दी। एक्चुअली ये मानव का असल स्वभाव यही है कि उसके अंदर बैर नहीं है, लोगों को भड़काया जाता है, पर असल में जो भारतीय हैं वो बहुत प्यार मोहब्बत और भाईचारे वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 2 है आज सरकार में बैठी, तो वही खेल है, चीजें वही है और एक ही चीज इसमें कॉन्स्टेंट। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है या ये वेस्ट इंडिया कंपनी है? जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो एक ही अखबार था पंजाब केसरी, लेकिन फिर भी गांधी जी कुछ कहते थे, बात कितनी तेजी से फैल जाती थी। अब आपने जो रास्ता अपनाया कि हम रास्ते से चल रहे हैं तो लोग हमें देख पा रहे हैं, हम अखबार का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आई वॉज स्पीकिंग टू अ बीजेपी सपोर्टर, मैंने उससे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी जी को ऐसा क्या पता था कि उन्होंने कोरोना के लिए पहले वार्निंग इशू की और मोदी सरकार इस चीज़ के ऊपर रिलैक्स थी। उन्होंने एक बड़ी बिजार बात कही, उन्होंने कहा कांग्रेस का अपना एक इंटेलिजेंस एपरेटस है जो वर्ल्ड ओवर फंक्शन करता है, विच इज मोर डेवलप्ड देन द मोसाद। आप जैसे बोलते हो कि नफरत छोड़ो और डरो मत, पर अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है सोशल मीडिया पे तो मेरी नफरत नहीं खत्म होती है, मेरा डर ये पता नहीं क्यों है। हेटेड क्या है, एनर्जी है, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस है, वो एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो कुछ भी कर ले, कहीं भी धकेले, जैसे ही मैं उसके काउंटर नहीं जाऊंगा वो मेरी है, अगर मैं उसके काउंटर जाऊंगा धकेलो। अब चैलेंज है, अगर इसकी हेट्रेड मेरी हेट्रेड से स्ट्रांग है तो मैं गया, ठीक है, अगर मैंने रेजिस्ट किया, अब वो कर रहा है रेजिस्ट दबाओ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो कुछ भी कर ले लैंड ही नहीं करेगी, ठीक है, अब मैं यहाँ से आऊँगा, ठीक है। तो ये आप ये सोच रहे हो कि मेरे ऊपर हेट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, हेट इज इनइफेक्टिव, इट्स यूजलेस। यात्रा का जो पूरा मेरे लिए एक मतलब निकला कि जो राजनीति हो सिर्फ दिल्ली में बैठ के या स्टूडियो में बैठ के सोशल मीडिया में बैठ के नहीं, तो उसके लिए निचले स्तर पे जाके लोगों को उस राजनीति का हिस्सा बनाने की। सर आपका जो ऑफिस है वो क्या मोबाइल ऑफिस हो सकता है, जहाँ पे ये जो कनेक्टिविटी है, इस यात्रा ने सबसे बड़ी चीज़ अचीव करी है कि जो भारत में 2 भारत बन रहे हैं, एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ नहीं है, उनके बीच में एक ब्रिज का काम किया, उनके बीच में एक कनेक्टर का काम किया है। एक जगह को पावर का गढ़ नहीं बनाया जाए, एक कॉन्स्टेंट फ्लो के स्टेट में रहा जाए। मोदी तो अपने मन की बात बोलते, तो आप तो हमारा नेता पूरे जन की बात सुनते, तो कैसे इतना पेशेंस आपको किधर से मिलते? ये पेशेंस तो आपकी भी बड़ी होगी मतलब टोटल बढ़ती जा रही है, यही सीखा इस यात्रा में सबसे मेन चीज, यही सीखी सबसे ज्यादा, तो कुछ भी हो जाए बस पेशेंटली लगे रहो। 4 बजे उठ के मैं 4:30 बजे 5 बजे बाहर आती हूँ, और उसके बाद सभी यात्रियों को मैं आवाज देती हूँ कि सभी भारत यात्री तैयार रहे, इतना टेम्परेचर है। तो उस समय ये लोग सभी आते थे, कहते थे कि तुमको कोई काम नहीं, 5:30 बजे बुला लेती हूँ, तो 6:30 बजे करो। उसी समय के 6 बजे से आगे बढ़ ही नहीं रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे। फिर दोबारा आपने बोला हरियाणा में भी, पंजाब में मुझे सिक्योरिटी वालों ने चिट्ठी लिख दी कि तो आपको 6 बजे नहीं 7 बजे करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, अब सिक्योरिटी वालों ने कह दिया टाइमिंग पीछे कर दिया था, मगर मुझे लग रहा था उसमें कुछ साजिश थी कि मतलब आप लोगों ने पुलिस वालों को बताया कि भैया 7 बजे शुरू करा, ऐसा कुछ था उसमें। राजस्थान से डेलीगेशन बनाया था कि हम राहुल जी को ना एक ज्ञापन देंगे कि सर एक घंटा थोड़ा बढ़ा दीजिए, बट आपने पोडियम से जब कह दिया, जब आपने पोडियम से कह दिया, क्योंकि मुझे पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपका डेलीगेशन आ रहा है